ওয়েলকাম মিস্টার বিকাশ দেশমুখ। বিকাশ দেশমুখ ওয়েলকাম, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? Welcome. আর ইউ হিয়ারিং? Good evening, sir. Fine, ইয়ে, fine. হ্যালো। সো দ্যাটস আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট, বিকজ দেয়ার ওয়াজ এ টেকনিক্যাল প্রবলেম, সো আই ওয়াজ Problem. টকিং অ্যাবাউট মাই ইনিশিয়েশন অ্যাট ওয়েস্ট বেঙ্গল রিগার্ডিং মাই প্রজেক্ট প্রজেক্ট হোয়াট আই অ্যাম বেসিক্যালি ডেভেলপিং সিন্স 3 ইয়ার্স উইথ কোলাবোরেশন উইথ ইউ Yes. গাইজ, রাইট? সো লেটস মিট আওয়ার স্পেশাল গেস্ট বিকাশ রাও দেশমুখ, হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও অফ বায়োগুরু লাইফ সায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড। সো হি ইজ নট অ্যান এন্টারপ্রিনর, হি কেমস ফ্রম এ ফার্মার ফ্যামিলি। Remember, he came from a farmer family. That's his strength, and that's why he understood previously what we need to do to bring back health, to bring back a great economy for the farmers with by lowering cost, and how to reduce the health hazard by introducing materials for crop productions, right? So we want to hear from you regarding your journey. Please, whatever in language, Hindi, English, Hindi. whatever in way, just continue. We'd like to learn about you. So please continue. Please talk about your journey first. मैं हिंदी में बात करूंगा। एग्जैक्टली, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं विकास देशमुख महाराष्ट्र से हूं, और जो जो भी मैंने अभी ये प्रोडक्ट बायोगुरु लाइफ साइंस के जो प्रोडक्ट डिजाइन किए वो मैं खुद एक किसान किसान के ऐसे सीखे है। जो भी मैंने रिसर्च किया है वो प्रैक्टिकली किया है एज अ किसान। जो भी मैंने रिसर्च किया, जो भी प्रोडक्ट मैंने पहले खेती में यूज किए, उसके बाद उसका जो रिजल्ट मेरे को निकला वो मैंने मार्केट में लाया। जो जो चेंजेस है किसान को, जो जो चेंजेस चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ने का मेरा सबसे पहला तरीका था। जो जिस हिसाब से हम लोग एक केमिकल फर्टिलाइजर के जो डिसएडवांटेज है, यानी दुष्परिणाम जो हम बोल रहे हैं, जो डिसएडवांटेज है बहुत है। लोग कैंसर से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है, और बहुत सारे जो डिसीजेज आ रहे हैं उसका एकमात्र कारण जो केमिकल फर्टिलाइजर का जो हमने बहुत ज्यादा मात्रा में जो यूज किया है, जो पेस्टिसाइड रहेगा, फंगिसाइड रहेगा, उसका जो बहुत सारा मात्रा में उन लोगों ने यूज किया है, उसके वजह से जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है। सबसे अहम बात यह है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी है। जो भी एग्रीकल्चर साइंस में आज तक हमारे देश में काम हुआ वो सब क्रॉप जो नए नए कौन से पीक है, कौन से नए नए क्रॉप लेने हैं, कौन सी नई नई वैरायटी लेनी है, कैसे वो उत्पाद देगी, उसके ऊपर काम हुआ। लेकिन जो बेसिक मेन थिंग है, टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अडॉप्ट की, लेकिन बेसिक मेन थिंग जो कि सॉइल के ऊपर जो हमारी मिट्टी है जिससे हम पौधा उगाते हैं, जिससे हम उत्पाद लेते हैं, जैसे कि आप बंगाल में आलू का जो अभी सीजन है, जो हम आलू आप आलू ले रहे, तो उसकी उत्पाद जो जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसके ऊपर बहुत कम काम हुआ। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मेन कंसेप्ट जो है वो उसके ऊपर है, उसके ऊपर बायोगुरु लाइफ साइंस जो हमारी कंपनी है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया, रिसर्च किया। और वो जो रिसर्च आया है एक दो साल का नहीं है, लगातार मैं उसके पीछे 1996 से लगा हूं, 1996 से लेके आज तक हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया अभी, तो उस जो एक्सपीरियंस है वो पूरा खेती का एक्सपीरियंस है। खेती करके, खेती के लिए क्या चाहिए, मिट्टी के लिए क्या चाहिए, जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो बैक्टीरिया जमीन के अंदर है, जो अर्थवर्म है यानी केचुआ बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम और बहुत ज्यादा मेहनत लगा के काम किया है। और जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, ये कोई सा ऐसा बुक का एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है जो भी अपने रिजल्ट है। तो मैं पहले स्पेशली न्यूक्राड के जो हमारे फ्रेंड है घोष सर, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो अपॉर्चुनिटी है, एक संधि हम लोगों को पश्चिम बंगाल के जो किसान है
उन लोगों की, किसानों की सेवा और उनकी जो आर्थिक उन्नति करने की एक मौका हम लोगों को दिया है, उसके लिए हम पहले बायोगुरु लाइफ साइंस की तरफ से सर जी का शुक्रगुजार करते हैं। वो हम लोगों को किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करना है। अगर किसान हमारे देश के जो अन्नदाता है, उसके लिए हम लोग आपके साथ में मिलके काम करने के लिए उत्सुक है। जो और उसके साथ में मेरे दूसरे जो मित्र हैं, जिन्होंने और एक हम लोगों को चांस दिया, जो डॉक्टर मिलिंद वेल्लाल जी है, जो महाराष्ट्र से हमारे तहसील से ही है, वो रिसर्च पे हम लोगों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। और दूसरे जो मेरे कोऑर्डिनेटर है, जो उसके गाइड करते हैं हम लोगों को बिजनेस कैसा करना है, जो मैनेज करना है, जो हमारे बैकबोन है, ऑनरेबल रमेश जी कंचे सर, जो अभी रशिया से यहाँ हमारे साथ आए हैं। तो बहुत अच्छे लोग, हमारी एक टीम बहुत अच्छी है, जो किसानों की उन्नति के ऊपर हम लोग लगातार काम करें सर। और जैसे आपने पिछली बार देखा कि पिछली बार हम लोगों ने आपके यहाँ प्रोडक्ट भेजे थे, जिसका रिजल्ट आपने खुद बहुत अच्छा लिया। जो केमिकल फर्टिलाइजर का रिड्यूसिंग करके हम लोगों ने 20% रिड्यूसिंग करके लिया, हम लोगों को अभी इसको धीरे धीरे पूरे 100% ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाना है। तो उस हिसाब से बायोगुरु, न्यूक्राड और रेडियल, ये हम साथ में मिलके बहुत अच्छा प्रोडक्ट बंगाल में एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो उसके बारे में जो भी बातें हैं मैं हिंदी में कहूंगा, एग्जैक्टली, नो बाकी प्रॉब्लम, वी कैन अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल, सो या डोंट वरी या अबाउट ओके इट। ओके ओके। क्योंकि जो भी काम, जो भी किसान मेरे को पश्चिम बंगाल के सुन रहे हैं, यानी भारतवर्ष के कोई भी जो किसान सुन रहे हैं, सभी को पहले जिसे मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में राम राम बोलना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने जो अभी ये प्रोडक्ट जो हम लोगों ने बनाए हैं बायोगुरु की तरफ से, जो किट बनाए हैं, तो जो पहला है कि भू चैतन्य किट जो है हमारा, जो कि मिट्टी के ऊपर हम लोगों का सबसे ज्यादा काम है। क्योंकि अगर किसान मिट्टी नहीं समझता, तो सब टेक्नोलॉजी जो भी उत्पाद लेता है मिट्टी के अंदर डालते हैं, वहां से अगली उत्पादन आता है। तो जो भी हमने प्रोडक्ट पहले बनाए हैं, बायोगुरु के प्रोडक्ट बनाए हैं, तो मैं थोड़े से यहाँ डिस्प्ले में, मोबाइल में दिक्कत तो है ही, और डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये बायोगुरु किट जो बना है, ये पहला टोटल बैक्टीरियल किट है। यहाँ जो भी करोड़ों करोड़ों संख्या के जीवाणु जो जमीन के अंदर बैक्टीरिया पनप रहे, उसकी कमी है। जो उसका मेनली वर्किंग ये है कि जो भी हम खाद डालते हैं, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, जो भी खाद मिट्टी के अंदर डालते हैं, उस जो डालते हैं वो पौधे को सीधा नहीं मिलता। यानी पौधे का जो टहनी रहता है, जो रूट रहता है, वो सीधा वो ग्राफ्ट नहीं करता। तो उसको, उसका जो मीडिएटर है, उस दोनों के बीच में एक सिस्टम काम करती है, तो उसका नाम है बैक्टीरिया। उसको माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसका नाम है बैक्टीरिया। ये जो हमारे बैक्टीरिया है, तो जो भी हम खाद डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर रहेगा या 100% ऑर्गेनिक पड़ेगा, उसको अवेलेबल फॉर्म में लाके फिर वो पौधे को देते हैं। फिर पौधा उससे वो एब्जॉर्ब करके लेता है, और फिर उस जो भी अपने को यील्ड मिलता है, जो भी फाइनल, जैसे हम आलू बोलते हैं, जो अच्छा अच्छा आलू, या आलू की साइज मेंटेन रहेगी, वो एक समान रहेगी, जो उत्पादन है आपको कम, उसे कम लागत में ज्यादा मिलेगा। तो ये अपना पहला ये काम करते हैं। फिर जमीन के अंदर जो इंसेक्ट रहते, कोई भी पेस्ट या कोई भी रोग जो है, तो बेसिकली वो जमीन के अंदर से निकलता है। उसका जो अंडकोश रहता है, सब जमीन के अंदर है, सब बहुत सारे मिट्टी के ऊपर काम है। इसीलिए बायोगुरु का पहला जो है, जो हम लोग भू चैतन्य कीट और जमीन के अंदर डालने के बाद पहले क्या करता है, तो जो दो तीन प्रोडक्ट है हमारे, उसमें एक एनपीके कंसोर्शिया है, बायोगुरु कंट्रोलर है, बायोगुरु वैम पावर है। ये सब प्रोडक्ट धीरे 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 अपना एक एक काम करते हैं। उसमें जो पहला प्रोडक्ट हमारा है, वो बायोगुरु कंट्रोल है, कंसोर्शिया बेस है। ये प्रोडक्ट हमारा कंसोर्शिया बेस है, जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो बोलते हैं, वो इसमें जो पोटेटो की आपको साइट चाहिए, क्या या किसी भी क्रॉप की, किसी भी पौधे की, किसी भी फल की साइट चाहिए, तो उसके ऊपर ये काम करेगा। बाद में जो प्रोडक्ट है, ये जो डिफिशियंसी रहती है, उसमें जो फफूंदनाशक बोलते हैं, जो
फंगस डेवलप होता है जमीन के अंदर, जो डेवलप होता है बेसिकली आपके यहाँ आलू के सीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम है फंगस डिफिशियंसी के, जो समझते नहीं, बहुत देर से समझते, उसके ऊपर ये जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है ये काम करती है। और उसके बाद जो जमीन के अंदर हम लोगों के साथ जो काम होते हैं, जो वैम नामक एक बैक्टीरिया है, जो माइक्रोराइजा करके एक बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, जितने भी सारे अपने न्यूट्रिएंट डाले हैं वो अपने पौधे को, किसी भी पौधे को इजीली पहुंचाने में मदद करती है। उसके बाद अपना एक जो बैक्टीरिया है वो जिंक का है, जो अपना पौधा पीला पीला पड़ जाता है तो उसमें जो डिफिशियंसी आती है वो भी हमारे बैक्टीरिया पूरी कर देता है। उसके बाद जो एक ऐसा एक छोटा किट है, क्योंकि तो टाइम बहुत बहुत ही कम है, तो ये जो बायोगुरु एग्रो किट, इसके बहुत सारे रिजल्ट हम ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में विश्वरूप सर के माध्यम से हम लोग पिछली बार ले चुके हैं। तो उसमें एक दो प्रोडक्ट है कि भू संहिता नामक एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जो मिट्टी के अंदर सिर्फ काम करता है, और उसके बाद ये जो हरित संहिता नामक एक प्रोडक्ट है जो यूज करना है आपको, वो क्या करता है, वो स्प्रेइंग यानी छिड़काव, पौधे के ऊपर छिड़काव करना है, पौधे के जो हरे भरे पत्ते निकलते हैं उसके ऊपर पूरा काम करता है। और एक जो काम है तो फ्लोरा फ्रूट नामक एक प्रोडक्ट है, वो जो अपनी आलू की साइज बड़ी छोटी ऐसी मिसमैच होती है, तो एक समान जो रेगुलर साइज है उनको एक जैसा आपको एक साइज में वह डाटा मिलेगा, तो उसको आलू मिलेगा, तो उसका रेट भी आपको, जो किसानों को रेट भी है वो कम से कम लागत में हर किसान को मिलेगा। ये अपना ये सब ऐसे प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट यूज करने का तरीका, जिसका ड्रिप है, ड्रिप इरिगेशन है, फ्लड वाटर सिस्टम है, वो दोनों भी किसान इसको यूज कर सकते हैं। उसका केमिकल फर्टिलाइजर 20% से लेके 50% तक कम करके ज्यादा से ज्यादा लागत हमारे दो प्रोडक्ट यूज करने के बाद, दो किट यूज करने के बाद आते हैं। और इसकी जो प्राइसिंग भी है वो हर किसान को, भारत के हर किसान को, या आसाम रहेगा, हर किसान को इजीली अफोर्डेबल है। और जो भी है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम एमआरपी हम लोगों ने रखी है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है किसान की उन्नति। तो ये जो मेन बेसिक कंसेप्ट जो विश्वरूप सर का था, तो इसीलिए हम लोग अटैचमेंट हमारा बहुत अच्छा हुआ कि किसानों के ऊपर काम करना है, तो इसीलिए बायोगुरु सिर्फ वही काम कर रहा है।